गुरु नानक। अब गुरु नानक पाशाह आगे बढ़ चले। अब जहां पहुंचे भाई मर्दाना जी कहते हैं, पाशाह भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बहुत दिन हो गए हैं कुछ नहीं खाया। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पाशाह कहते हैं कि आगे चल, थोड़ी दूर सिद्ध मंडली बैठी है, वहां पर जाकर उनसे भोजन मांग लेना। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो सिद्ध मंडली एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी। एक तरफ सिद्ध मंडली बैठ गई, दूसरी तरफ गुरु नानक पाशाह बैठ गए। मर्दाना गया उनके पास, सिद्धों ने पहचान लिया ये गुरु नानक आए हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वही बात कि हमें हराने आए। जब भाई मर्दाना जी ने उनसे जाके बेनती की कि भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा, तो सिद्धों ने कहा अपने गुरु नानक से मांग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते हैं निरंकार धरती पर आए, जो चाहे कर सकते हैं उनसे मांग, हमसे क्यों मांगता है। भाई मर्दाना जी मायूस लौटे, गुरु नानक पाशाह से कहने लगे, पाशाह सिद्धों के पास मत भेजो, बेइज्जती होती है। आप सर्वकला समर्थ हो, जो चाहे कर सकते हो, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पाशाह जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, उस पेड़ का नाम था रीठा पेड़। रीठे का पेड़ होता है साथ संगत जी। ये रीठा एक ऐसा फल है, असल में फल है ही नहीं, पुराने जमाने में इससे कपड़े धोए जाते थे। बहुत ही जहरीला होता है, मुंह में डालो तो उल्टी आ जाए, इतना कड़वा, नीम से भी ज्यादा। गुरु नानक पाशाह ने पेड़ की तरफ इशारा किया ऊपर, मर्दानिया हमारे ऊपर जो रीठे लगे हैं इन्हें तोड़कर खा ले। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक बोले डर गए परवा। भाई मर्दाना जी कहने लगे, पाशाह मारना ही है तो ऐसे ही मार दो, ये जहर खिला के मारना चाहते हो। गुरु नानक पाशाह कहने लगे, वचन मान। भाई मर्दाना जी ने वचन मानकर वो रीठे तोड़े, शहद के जैसे मीठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी बड़े खुशी से वो रीठे तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। सिद्धों ने देखा, हैरान हुए कि ये कड़वे रीठे, जब उन्होंने तोड़कर खाए अपनी तरफ से तो अत के कड़वे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जहां गुरु नानक पाशाह बैठे थे वहां से आए, वहां से तोड़कर खाए तो मीठे। एक ही पेड़, ध्यान देना साथ संगत, एक ही पेड़। आज भी यहाँ पर गुरुद्वारा रीठा साहब सुशोभित है, जाओ तो वहां पर रीठे का प्रसाद मिलता है। एक पेड़ है, एक पेड़ में आधे फल जहाँ गुरु नानक पाशाह बैठे थे आज भी मीठे, और दूसरा हिस्सा कड़वा जहर के जैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे मित्र बताते हैं, आज तक मुझे उस गुरुद्वारे के दर्शन करने का मौका नहीं मिला। नानक माता साहब के तो दर्शन हो गए थे, परीठा साहब के दर्शन आज तक मुझे नहीं हुए। मेरे मित्र बताते हैं कि वहां पर अंग्रेज आकर खड़े होते हैं, ध्यान से देख रहे होते हैं कि ये क्या चमत्कार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक बोले डर के परवा। गुरु नानक पाशाह जो भी बोल गए हैं वो तीन काल सत्य है। सबसे पहले ये बात मन में बिठा लो, इतनी सी भी, इतना सा भी डाउट नहीं करना। गुरु नानक पाशाह की बाणी पर ही, एक बाणी, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। शर्त है जो गुरु बाणी कहे वो हम मान ले, बाकी तारने का दायित्व उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक बोले डर गए परवा।